हाय फ्रेंड्स, मुझे समस्त स्वागत करुच्ची ओडिशा जब इनफर आशे करुच्चे समस्ते बहुत बढ़िया थे, समस्त इंजो प्रिपेरेशन को आगे बढ़ी चलते अपकमिंग आप जो भी एक्जाम आस ओके टारगेट चलिए ओल्डर प्लेस आपको जानते आरआई एआरआई अमीनो एसएमएस सेक्शनल टेस्ट आज इंग्लिश न करवा अलरेडी आठटा सेक्शनल टेस्ट सारी इंग्लिश और कंप्यूटर आठ सरी आशे करुच्चे प्लेलीस्ट पलिए ओल्डर प्लेस आरआई लिखाई थोड़ा आप जाए सबुतक देखी पारे आउ गए कथ कौन मोर फाउंडेशन क्लास स्टार्ट है जो आरआई एआरआई नोटिफिकेशन आस जाऊ कि पूर्व डेफिनेट इयर फाउंडेशन क्लास को स्टार्ट करदेवी जोटा कि आप कंप्लीट इंग्लिश रोक कंप्लीट आपर कंप्यूटर रहा पूरा थ्योरी सहित एमसीक्यू मुझ सबुतक मो तरफ जितनी पसबल हो पार सबुत क्लास मुझ कंडक्ट करी से किसी व्यस्त होनी एवं जी आप चाहते थ्योरी क्लास कंप्लीट करने तो पीओ में जहाँ क्लास करी आप देखिए रिविजन करेंगे कि किसी जिस एक्सट्रा डेफिनेटली शिखी पारे क्लास को स्टार्ट करता पूर्व गोटे छोटे इनफर्मेशन देवी जो जानते अलरेडी स्किप करके आगे पड़ा जो दरकार अच्छे शुणु अलरेडी स्किप करके जाइपारे ओके टारगेट चल आज जो टारगेट चलिए ओडर पलिस मोर आर आई एआरआई अमीनो एसएफएस मोर टेलीग्राम गोटे ब्याच अच्छे जो आप प्राक्ट डेली क्वेश्चन मिल जाए मन रखिए मोर वीडियो क्लास ओनली यूट्यूब थे आउ कौटी नए से आप जॉइन कले डेली प्राक्ट 200 प्लस आप एमसीक्यू पाइबे जो ओडर पलिस आर आई एआरआई अमीनो एसएफएस डेली आपको 200 एमसीक्यू पाइबे जो आप इंग्लिश 50 क्वेश्चन कंप्यूटर 50 क्वेश्चन सहित आप 50 क्वेश्चन होगा जीए 50 क्वेश्चन ये सब तक टॉपिक वाइज चलती कौन ये टॉपिक वाइज मिक्स करोनी कि सेक्शनल टेस्ट करोनी ओनली टॉपिक वाइज चलिए गोटे गोटे टॉपिक हमें सारी सारी जीवा डेफिनेटली एग्जाम पूर्व हमें दी थर कि तीन थर रिविजन करने ट्राई करवा सहित मन रखिए आउ कौन से टेलीग्राम बैच अवेलेबल रही है मन रखिए आरआई और एआरआई अमीनो एसएफएस आपंकर मॉक टेस्ट पाइबे कौन कहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आरआई 180 मार्क हो 400 मार्क होता तो नोटिफिकेशन आसे जना पड़ो सेमती एआरआई अमीनो एसएफएस कितने मार्क कंडक्ट होती तार भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली पाइबे मॉक टेस्ट पाइबे जो नोटिफिकेशन आसो तापर मुझे आपको मॉक टेस्ट दे पारे बिकज पैटर्न जान ले बनपर ओके आउ गोटे कथ से बैच के दिन चलो जे पर्यटन आप आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस एग्जाम सरी से पर्यटन ये बैच कंटिन्यूटी बनी चलो तापर जो मैंने नुआ स्टूडेंट अच्छे से 135 रुपीज रोक आज जो मैंने ओल्ड स्टूडेंट अलरेडी मोर कौन से बैच रही एस होगा सीजीएल होगा पीओ होगा ओडिशा पुलिस जूनियर एजुकेशन अलरेडी 6-7 बैच सरी आपड़ जो जॉइन करते आप 99 रुपीज रोक ये जो नंबर देखते ये नंबर कौन से पेमेंट गेटवे पे करके व्हाट्सएप कि टेलीग्राम में मतलब स्क्रीनशॉट देदेवे दयाकि टेलीग्राम कि ग्रुप खोजे ये गोटे प्राइवेट ग्रुप अच्छी शो कराइबर ना ओके किसी डाउट थे नंबर मतलब व्हाट्सएप दयाकर पचारि पारे कल करें कल कले बहुत पिछा कल करते रिसीव करवा डिफिकल्ट होती व्हाट्सएप मेसेज करके आप कल करेंगे बुझीगले समस्ते एवं जी कि मुझे ग्रुप देखे दूसरी आपर किसी गोटे आईडिया आसो देखो ग्रुप 3333 पिला 4 तीन बर्तन पिला अवेलेबल अच्छे ग्रुप जॉइन करले डेली शेड्यूल मेन्स होता है कौन कौन क्विज कंडक्ट कर पीडीएफ कमी मिले सबकि जिस मेन्स होता है ग्रुप में आपको ऑटोमेटिकली सब क्विज कंडक्ट कर तो क्विज को आपड़ आटेड करेंगे मैंने सब पोल फॉर्मेट क्वेश्चन आसो आप आराम से आटेड करेंगे क्विज सरला आपको सबुतकर पीडीएफ मिल जाए जमी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चलती एमएस पावर पॉइंट चलती ओडिशा जीके क्वेश्चन चलती सिंपल इंपोर्ट सिंपल आउ कंपाउंड चलती आप क्रिया उपर क्वेश्चन चलती तो सबुतकर पीडीएफ मिल जाए पीडीएफ सरला आप आज शेड्यूल कौन अच्छी एटा मेनसन कर तो ग्रुप जब चाहिए से जॉइन करेंगे आप सब कुछ आसेस करेंगे ग्रुप रे पीडीएफ केमती पाइबे फाइल सेक्शन को पलि आसेंगे 114 पीडीएफ अच्छी कौन कहे 114 पीडीएफ अच्छी आपड़ सबुतक पीडीएफ को आसेस करेंगे जो टॉपिक भी दरकार आपको प्रिपोजिशन दरकार कि एमएस वर्ड दरकार धोनी आप सर्च करदे एमएस वर्ड मुझ सर्च कर देखो एमएस वर्ड रलरेडी 6 पीडीएफ देखिए मैंने 300 क्वेश्चन देखिए पावर पॉइंट होगा सबुथर चैप्टर अवेलेबल अच्छे आउ गए कथ ट्राए करेंगे जो पोल को भी अटेंड करने जहाँ फल अदर पिला सहित आप आनालीसीस करेंगे जो आपर के क्वेश्चन ठीक अच्छे जब मो द्वारा किसी मिस्टेक भी होती आपठ आनालीसीस करेंगे किसी डाउट ए नंबर मतलब व्हाट्सएप पर पचारि पारे एवं जी आम क्लास को स्टार्ट करवा जो वीडियो स्पीड लगे स्लो करके 0.75 से देखी पारे एक नंबर क्वेश्चन से समस्त आंसर देखा ट्राई करते आई थिंक समस्त आंसर दे सारे इजी क्वेश्चन था देखो सी इज गोइंग टू ओके क्विट हर जॉब से जॉब छाड़ा जाऊँगी डैश दे गिव हर आप पे रईज तो डेफिनेटली तरह जो दरमा अच्छे न बढ़े तो डेफिनेट से जॉब छाड़देव एटा को ये जो सेंटेंस ये जो पार्टा मतलब कहे ये कौन शो करोगी तमें सी गोटे कौन कंडीशन लगे मुझ जॉब छाड़देवी जदि तुम्हें मोर सैलरी बढ़ेबन तो ये गोटे कौन कंडीशन को बुझे कौन ये गोटे कंडीशन को बुझेगा तुम्हें और तो लगे पारे अंटिल भी लगे पाने अंटिल कौन गोटे टाइम को शो कै कौन कहे टाइम अंटिल 5 o'clock अंटिल मंडे एवं टाइम को शो कै ओके तो आम लगे अनलेस कौन कहे अनलेस अनलेस लगे पार अनलेस पर कौन गोटे कंडीशन जे जदि तुम मतलब पैसा नदेव तो मैंने मो दरा न पड़े तो मुझ जॉब छाड़देवि तो देखो अनलेस दे गिव हर पे रईज बुझीगले समस्ते जो आप कौन कंडीशन को बुझेदेव या मुदेवी तो डेफिनेट आप लगे पारे अनलेस को यूज करेंगे बुझीगले समस्ते एक नंबर ऑप्शन सी रहा नेक्स्ट दुई नंबर जी दुई नंबर भी समस्त आंसर देखा ट्राई कर ट्राई कले क्वेश्चन पड़ेगा क्वेश्चन से आप कौन कहे डैश द बैड वेदर वेदर ओके द आउटडोर पार्टी वाज रीशेड्यूल तो मन रखिए ये जो आउटडोर पार्टीटा कंडक्ट करानी ये रीशेड्यूल्ड करा मैंने आउ गोटे केवे कंडक्ट कर ठीक अच्छे यार बिकज ऑफ हो पारे यार
ইন অর্ডার টু না ইন অর্ডার টু রেজাল্ট শো করছেন এটা বি নো ডেসপাইট ডেসপাইট মানে কো যদি এইটা ঘটলা তো সেইটা তা সত্ত্বে বি এইটা আমি কলে ডেসপাইট আপনার ব্যাড ওয়েদর ক্রিকেট খেল হেলা তো ডেফিনেট আমি সেই জিনিসকে নিয়ে যাব ড্যান্স দো ব্যাড ওয়েদর ব্যাড ওয়েদর সত্ত্বে বি যদি এটা হয়ে থাকে কন্ডাক্ট তাহলে আমি ডেসপাইট কথা ভাবি থাকে কি ইনস্পাইট কথা ভাবি থাকে বট এটি কোন লাগাই পড়ব রিজন কু শো কলা বিকজ রিজন হচ্ছে কোন বিকজ অফ দ ব্যাড ওয়েদর যোগু সে কোন হলা যে আপনার পার্টি লা রিসিডুল করাগলা ডিসিডি কোন পাই লাগিব মু আপনা অলরেডি কইতি কোন যদি এটা ঘটি থাকা ব্যাড ওয়েদর সত্ত্বে বি আপনার কোন হই থাকা পার্টি ঘটি থাকা তাহলে আমি সিডি রু পিক করে পারি থাকে বুঝিগলে সমস্ত আপনার কোটা রহব দুই নম্বর অপশন কোটা এ রাইট আনসার হবে নেক্সট তিন নম্বরকে যা তিন নম্বর বি সমস্ত আনসার দেওয়া ট্রাই করুন এটা ইজি কোশ্চেন হচ্ছে আই থিঙ্ক সমস্ত দিয়ে পারবে ইয়ার ট্রাই করে কোশ্চেন পড়ে দেখুন দেয়ার আর সম ভ্যাকেন্ট রুম সেটি কিছু ভ্যাকেন্ট রুম আছে ড্যাশ ইন ফ্ল্যাটস অ্যান্ড সেয়ার্ড হাউস তো মনে রাখবে এটি যে অ্যান্ড কনজংশন ইউজ করছে ঠিক আছে এটি গোটে আপনার কোণ লাগবে এটি গোটে কনজংশনটে পেয়ারিং কনজংশন লাগবে ওকে কোণ লাগে মনে রাখবে বোথ কম কলি বোথ সহ আপনার পেয়ার কোণ নিয়ে অ্যান্ড নিয়ে বোথ ফ্ল্যাটে অছে তা সহ সেয়ার আপনার হাউস অছে তো আমি কোণ লাগবে বোথ সহ অ্যান্ড পেয়ার কু নিয়ে যাই পারবে যেটা কি আপনার কোণ হইব বিটুইন র কোনসি মতলব নাই আইদর সহ অর লাগিলে ভাবি থাকে না আইদর সহ বি নর্থলে আমি ভাবি থাকে কোণ লাগবে বোথ সহ আপনার অ্যান্ড লাগবে তিন নম্বর আই থিঙ্ক অপশন কোটা এ কু সমস্ত চুজ করে দিয়ে ইজি কোশ্চেন লা সমস্ত বি আরামসে পিক করে দিয়েছে নেক্সট চার নম্বরকে যা ওকে চার নম্বরে সমস্ত আনসার দেওয়া ট্রাই করতু হুইচ সেন্টেন্স ইজ গ্রামাটিকালি করেক্ট আপনার যে চারটা সেন্টেন্স দেখছেন কোটা গ্রামাটিকালি করেক্ট আছে তাকে টিকে ফাইন্ড আউট করা ট্রাই করতু ট্রাই করলে কোশ্চেন পড়া দেখুন কোন আছে মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড ঠিক আছে মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড ওকে ফার্স্ট কথা অবজেক্টিভ কেমতে কেস কেমতে আসলা অবজেক্টিভ আসবনি আপনার সবজেক্টিভ লগিয়ার চা এটা কাম কাটি দেছি ইয়ে অবজেক্টিভ রয়েছে কারণ মি রু মু স্টার্ট করছি টোটালি হবনি সেকেন্ড পড়া আইদর কমপ্লিটলি আপনার অবজেক্টিভ ভালো তো লাগুনি এ তো সবজেক্টিভ ভালো লাগুছে মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড মি পুঁড় ইয়ার অবজেক্টিভ কোণ পাই গলা দুইটাক সবজেক্টিভ নেই যা যেহেতু এটা সেন্টেন্স স্টার্টিং অছে তা পূর্বে আর কিছু নাই আমি সবজেক্টিভ নর্মালি ধরিকি যাওয়া পড়ব থার্ড পড়া মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড আই এবার পিলাঙ্কর কনফ্যুজন স্যার মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড আই হব না আই মাই ফ্রেন্ড হব যদি সেন্টেন্স পজিটিভ অছে তো আমি কোন রুল ফলো করবা টু থ্রি ওয়ান কু ফলো করবা কম কলে টু থ্রি মানে আগে সেকেন্ড পর্সন আসবে তারপরে থার্ড পর্সন তারপরে ফার্স্ট পর্সন হবে ঠিক আছে মাই ফ্রেন্ড হবে মাই ফ্রেন্ড আপনার কোথায় যাব আপনার ডেফিনেট আইটা তো জানি আই আই এটা কো ফর্মে আছে তো সময় জানি ইয়ে আপনার ফার্স্ট আপনার ফার্স্ট পর্সন যায় যেটা কি আপনার সেকেন্ড পার্ট রয়েছে তো অপশন কোটা সি কু মারি পড়বে আই আগে লগাই কিছু দরকার নাই ইজি লা না আপনার জাঁয়া পড়ব প্রোনাউন কোটা আগে আসি কোটা পছে আসে এসব জাঁয়া পড়ব ওকে চার নম্বর মনে রাখবে অপশন কোটা সি রাইট আনসর হলে নিশ্চয় পাঁচ নম্বরকে যা ওকে পাঁচ নম্বর বি সমস্ত আনসর দেওয়া ট্রাই করবে চুজ দ করেক্ট সেন্টেন্স উইথ প্রপর ইউজ অফ কম্পারেটিভ ডিগ্রি ওকে এই যে চারিটা সেন্টেন্স হচ্ছে আদর কম্পারেটিভ ডিগ্রির কোটা করেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে ফাইন্ড আউট করা পড়বে দেখি ইয়ার কম কম বলছি হি ইজ মোস্ট কেমতি হব হি ইজ দ মোস্ট ট্যালেন্ট মোস্ট টলেস্ট ইয়ার মোস্ট টলেস্ট তো কিছু নথে ফার্স্ট আমি অপশন এ কু হি কাটি দেবা ফার্স্ট কথা যদি এটি সুপারলেটিভ লগেছে আর্টিকেল দ লগাই পড়বে না তারপরে মোস্ট সহ টলেস্ট বি বসেনি টল টলর টলেস্ট তা আগে মোস্ট বসিয়া কিছু দরকার নাই ইয়ে কম বিউটিফুল হয়েছে কি মোর বিউটিফুল মোস্ট বিউটিফুল লগাই দেবা না ইয়ে যে আপনার ওয়ার্ড আছে টলেস্ট ইয়ে গোটে সিঙ্গল ওয়ার্ড বিউটিফুলটা দুইটা ওয়ার্ড বিউটি আউ ফুল ইন্টেলিজেন্ট ইয়ে সব মনে রাখি দুইটা ওয়ার্ড যেটি আপনার দুইটা ওয়ার্ড পাইবে ওকে তাপূর্ব আর্টিকেল তাপূর্ব আপনার মোর কিংবা মোস্ট ইউজ করা যায় যেটা আপনার গোটে গোটে ওয়ার্ড গুড বেটর বেস্ট তাপূর্ব মোর আর মোস্ট লগাই কিছু দরকারই নাই বুঝিগলে না তো অপশন এ কু আমি কাটি দেবা দেখুন সেকেন্ড সেকেন্ড টিকে পড়া ট্রাই করা দেখুন হি ইজ টলর দ্যান ওকে এনি অদর পর্সন ইন দ রুম ঠিক আছে হি ইজ টলর দ্যান কম্পারেটিভ আছে ওকে কম্পারেটিভ মানে তা সহ অদর রুম মানে যে রুমে যে সেমান সহ কম্পারিজন আমি টলর লগাই পারবা তার মানে অপশন বি সহ আমি যাই পারবা টিকি তৃতীয়টা থার্ডটা পড়ে দেবা হি ইজ টলেস্ট টলেস্ট পূর্বে আর্টিকেল দল লাগে কাটি দেবা হি ইজ মোর টল কিছু হুয়ে টলর টলর হি হুয়ে যেটা কি পাঁচ নম্বর ওনলি বি পসিবল আশা করছি আউ কিছু অপশন কে বি পিক করে নথিবে বুঝিগলে সমস্ত না ইজি লাগে পাঁচ পরে নিশ্চয় ছ কিছু ছর বি আনসর দেওয়া ট্রাই করুন এটা গোটে বড়িয়া কোশ্চেন হচ্ছে অধা পিলা এই কোশ্চেনে ফসিবে ইয়ার ফসিগলে না আপনার বেড়ে বেড়ে এমনি পচারি পারে এর কম্পারেটিভ ডিগ্রি কোণ হবো দেখুন কম্পারেটিভ আপনার ফর্ম কার ফার ফার দুইটা কম্পারেটিভ আছে ওকে ফার দুইটা কম্পারেটিভ গোটে হচ্ছে আপনার কম যে মোর ফার ম্যাচ টোটালি ভুল ফার গোটে সিঙ্গল ওয়ার্ড কেবে মোর আর মোস্ট পসিবল না ডবল ওয়ার্ডে আপনার মোর আর মোস্ট বসে এটা মু অলরেডি কহিদিলি যেমনি বিউটিফুল বিউটি প্লস ফুল দুইটা ওয়ার্ড না সেটি আমি মোর আর মোস্ট লগাই পাইবা সেকেন্ড পড়া ফার্দর ওকে ফার্দর মনে রাখবে ফার ফার্দর হুয়ে ইয়ার যেমন ভাবুছ হুয়ে টোটাল ভুল ফার ফার্দর হুয়ে আর ফর্দর বি হয়ে যায় বেড়ে বেড়ে এফ ইউ বি আপনার বেড়ে বেড়ে হুয়ে মু দেখিছি বেড়ে বেড়ে পড়িছি তো সেইপাই আপনার ফার্দর এটি রাইট আনসার বনব ফারেস্ট কিছু হবনি ইয়ার বি এটি লাগবে না এফ এয়ার ইয়ার লগাই দেবে না ফার্দর আপনার এফ এয়ার টিএচ ইয়ার
ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ କେସ୍ ଏଇଟା, ପ୍ରାୟ ପିଲାଟା ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ରଖିଥିଲି। ମନେ ରଖିବେ ଛଅର କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଫାର୍ଦରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା, ଏଫ୍ଆର୍ ଟିଏଚ୍ଆର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଦର ବି ଏଫ୍ୟୁଆର୍ ଟିଏଚ୍ଆର୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଓକେ, ଛଅ ନମ୍ବର ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ କୋଉଟା, ବି ସହିତ ଆମେ ଇଜିଲି ଯାଇପାରିବା। ଓକେ, ଛଅ ନମ୍ବର ପରେ ନେଇଛି ସାତ ନମ୍ବର, ସାତ ନମ୍ବର ବି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଆଜି ତିନି ଚାରିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ଇଏ ଆପଣ ଚାରି ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ ମାନେ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସି ଇଜ୍ ଦ ମୋର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏନି ଅଦର ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍। ଓକେ, ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ସି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏନି ଅଦର, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲ ଯେ ଜଣ ଭିଲେଜ୍ରେ ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଅଧିକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଲେଜ୍ କଥା କହୁଛି ଆଉ କଥା କହିନି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନି ଅଦର ଗାର୍ଲ, ଓକେ ଏନି ଅଦର ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ହର ଭିଲେଜ୍, ଓକେ ଆଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଜ୍ ସି। ଏନି ଅଦର ଗାର୍ଲ କେଉଁଠି ହେଲା, ସିଏ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଛି, ଏନି ଅଦର ଗାର୍ଲ କଥା କାହିଁ ଉଠେଇବା ଆମେ, ଅପ୍ସନ୍ ଏର ମିନିଂ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ବି କଥା ଯା, ବିରେ ଦେଖିବା ନୋ ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ହର ଭିଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଜ୍ ସି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଆକୁ ବି ଆମେ କାଟିଦେବା, ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ୍ ସେ କରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଓକେ, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ଇଏ ବି ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ନୋ ଅଦର ଗାର୍ଲ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ନୋ ଗାର୍ଲ କିଛି ନଥାଏ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ଅଦର ଗାର୍ଲ ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏନି ଅଦରଟା ଆମେ ନୋ ଅଦର କରିପାରିବା, ନେଗେଟିଭ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ନୋ ଅଦର ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଜ୍ ସି ଇନ୍ ହର ଭିଲେଜ୍, ଇଏ ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୋଟାଲ ଭୁଲ ଅଛି, ଇଏ ବସିବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ନୋ ଅଦର ଗାର୍ଲ, ଓକେ ଇନ୍ ହର ଭିଲେଜ୍, କେହି ବି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ରେ ଯିଏକି ଇଜ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଜ୍। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋ ଆଜ୍ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଅପ୍ସନ୍ ସିଟା କାଟିବାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଥିଲା, ଏଠି ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ଆଜ୍ ଆଉ ଆଜ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଜ୍ ଆଉ ଆଜ୍ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗିଛି, ବଟ୍ ସୋ ଆଉ ଆଜ୍ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଆମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, କେଉଁଟା ଆପଣ ସୋ ଆଜ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ସାତ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ର ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ପଜିଟିଭ୍, କମ୍ପାରେଟିଭ୍, ସୁପରଲେଟିଭ୍, ତିନିଟା ଗାଏ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିଛି ବି, ଆପଣ ପିଓ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇଥିଲି। ଓକେ, ସାତ ନମ୍ବର ଡି ରହିବ ନେଇଛି, ଆଠ ନମ୍ବର କିଛି, ଆଠ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଇଦର ହି ଅର୍ ଆଇ, ପ୍ରାୟ ପିଲା କ'ଣ ଲଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲଗେଇ ଯାଉଛୁ, ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ୟାର, ଭୁଲ କି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ୟାର, ଆଇଦର ଅର୍ ପରେ ଆମେ ଆର୍ ଲଗେଇବାନି, ଏଠି ଆମ୍ ହିଁ ଲଗେଇବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇଦର ଅର୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଇଦର ନର୍ ହେଇଗଲା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟର୍ସ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଭର ବସେ। କ'ଣ କହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଭର ବସେ, ଆଇ ଅଛି ନା, ଆଇଟା ଆଇ ପରେ କ'ଣ ବସିବ, ଆଇ ପାଖରେ କେବେ ଆର୍ ଲାଗିବ କି, କେବେ ବି ଲାଗିବନି, ଆଇ ପାଖରେ ଆମେ ଆମ୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ଲାଗିବ ସାର୍ ହି ଅଛି ପରା, ହି ଆଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଗଲେ ନା ୟାର, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଆପଣ ଭର ବସେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଇ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି, ତା ଆକର୍ଡିଂ ଭର ବସିବ, ତ ଆଇ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ୍ ବସେଇବା, ଆଇ ପାଇଁ ଆର୍ ବସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଠ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଆସେ କହୁଛି ପିକ୍ କରିଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଯାଏ ନ ନମ୍ବର କୁଛ, ଓକେ ନ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦ ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦ ଏନ୍ ୟୁ ଏମ୍ ବି ଇ ଆର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ ବସେ, କ'ଣ କହିଲେ ଯାହା ବି ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ ଆକର୍ଡିଂରେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଭର୍ ବସେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସେ, କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନମ୍ବର ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ୍ରେ ଅଛି, ଓକେ ମାନେ ରୁଲ୍ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା କହିବା, ଏ ନମ୍ବର ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ନାଉନ୍ ତ ପ୍ଲୁରାଲ ଆସିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ବସିବ, ମନେ ରଖିବେ ଇଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବସିବ, ପ୍ଲୁରାଲ ବସିବ, ଏ ନମ୍ବର ପାଇଁ ପ୍ଲୁରାଲ, ଦ ନମ୍ବର ପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଭର୍ ବସିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ଅଛି ଇଏ ତ ପ୍ଲୁରାଲ ରହିବା କଥା ରହିବ ନା, ତ ଏଠି ଆପଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସିବେ, ସିଙ୍ଗୁଲାର କ'ଣ ଲଗେଇବା, ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର, ସବୁ ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି, ତ ହାଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବା। ଓକେ, ଏଇଟା ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନଅ ନମ୍ବର କେଉଁଟା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପିକ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ନେଇଯିବା ଦଶ ନମ୍ବର କିଛି। ଓକେ, ଦଶ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିପୋଜିସନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଜମା ବି ହୁଅନ୍ତୁନି, ପ୍ରାୟ ପିଲା ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ମାନେ ଉପର ପୋଜିସନକୁ ସୋ କରେ, ଓଭର ମାନେ ବି ଉପର ପୋଜିସନକୁ ସୋ କରେ, ବଟ୍ ଡି ଟାକର ମିନିଂ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିୟର୍ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଓକେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ଦ, ଆପଣ ଲଗେ ଓଭର ଲାଗେ, ବ୍ରିଜ୍ ସେନ୍ସରେ ନର୍ମାଲ ଓଭର ଲାଗିବ, ଏବଭ୍ ତ କେବେ ଲାଗେନି, ଏବଭ୍ ଗୋଟେ ହାୟର ପୋଜିସନକୁ ନର୍ମାଲ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଓଭର ବି ହାୟର ପୋଜିସନକୁ ବୁଝାଏ, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଲାଗେ ଗୋଟେ ରିଭର୍ର ଉପରେ ଯାଇଛି, ଆମେ ଓଭର ଆରାମସେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଏବଭ୍ର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବି ପଢ଼ିଥିବ। ଓକେ, ଦଶ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଓକେ, ଏଗାର ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କାରଣ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ବହୁତ ଥର କରୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ପିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଗାର ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଓକେ ଏଗାର ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି, ଟୁ ଇୟର, ଟୁ ଇୟରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିରିଅଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, କ'ଣ କହିଲେ ଟୁ ଗୋଟେ ପିରିଅଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ପିରିଅଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପଳେଇବା, ଫର୍କୁ ଲଗେଇ ପଳେଇବା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ସିନ୍ସ ଲାଗିଥାନ୍ତା କେଉଁଠୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦେବ। ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସିକ୍ସ ଓ କ୍ଲକ୍, ମନ୍ଡେ, ସନ୍ଡେ, କି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍କୁ ସୋ କରେ। ଫ୍ରମ୍ କୋଡ଼ ଲାଗେ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଫ୍ରମ୍ ସହିତ ଟୁ ଲାଗେ, ଫ୍ରମ୍ ସିକ୍ସ ପି ଏମ୍ ଟୁ ଟେନ୍ ଏ ଏମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି ଫ୍ରମ୍ ସହିତ ଟୁ ଲାଗେ, ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍କୁ ସୋ କରେ, ଏଠି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ବୁଝିଗଲେ ନା, ଏଗାର ନମ୍ବର ଏ ନେଇଛି, ବାର ନମ୍ବର କିଛି। ଓକେ, ବାର ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମେନି ବାର୍ଡସ୍ ୱେୟାର ସିଟିଂ
ड्यास से ब्रांच ऑफ द ट्री एटा मन रखिए ब्रांच है धरने सरी मु ट्री टिके डायग्राम बनाऊँ ट्री डायग्राम तो बनेबी बस भाभी नियंतु ये ट्री रो सब एमती ब्रांच अच्छे नड़िया गच भाभी दिखते ट्री रो ब्रांच अच्छे ट्री रो ब्रांच कौन से पक्षी मैंने बस तो आप डेफिनेटली ये जो ब्रांच को से टच करके बस छाड़ी तो बस ना टच करके बस तो आम लगे पार्टी अन् ए ब्रांच अफ द ट्री जमा भी आर्ट लगे ओके इन तो भितर सेन्स को बुझाए फर भी नुह फर तो रिजन को बुझाए आपर अन् द ब्रांच आप लगे पाए बुझे ना आपर बार नंबर अप्सन कौटा से ही रईट आंसर है मैंने से 13 नंबर को जाए ओके 13 नंबर भी समस्त आंसर दे ट्राई करते फाइंड द करेक्ट सिक्वेंस अफ द वर्ड आपर पढ़ी थे एक्जाम रिसेंटली आप देखिए सिक्वेंस अफ द वर्ड रीअरेंजमेंट अफ सेन्टेन्स को नर्माली बुझाए ओके पढ़ु जो ठीक लगे पिक करके जातु बस यहाँ हूँ कथ मैंने वार्ड गुड़ाक सब जम्बल होती पढ़ी ठीक से बुझीपारे पढ़ी ना पढ़ा 13 नंबर आपको रईट आंसर बन पड़े देखिए फर आन आवर ओके ठीक अच्छे डज नट फर आन आवर डू नट स्टप ये टोटाल सेन्टेन्स बोल एमती किसी सेन्टेन्स था ओके डोंट स्टप ओके फर हिम ओके डोंट स्टप हिम फर सरी गला आपको भी काटि दूसरी ये कौन से भाई मीनिंग ही दूनी आप निजे पढ़ले बुझीपारे ओके हि विल रन ओके से रन करे फर आन आवर हाँ ड्यूरेसन टाइप पूर्व फर लगी फर एन आवर इफ यू डोंट स्टप हिम ऑप्शन सी पूरा एक्जाक्टली करेक्ट बाजुच्छी आउ गोटे पढ़ दे आपको कौन देव देखो हि विल रन डू नट डोंट स्टप यार यार भी मीनिंग भूल आप सेन्टेन्स पढ़ले मीनिंग को जज करेंगे आउ सेन्टेन्सटा आपको ठीक भी लगुवा दरकार ग्रामाटिकाली हो कि कंटेक्चुअली हो कि आप रीडिंग स्किल हो आपको ठीक लगभग अच्छे ओके आपटा बस कराया ओके 13 नंबर ऑप्शन सी जोटा कि आप करेक्ट सिक्वेंस अच्छे ओके नेक्स्ट बात 14 नंबर को जी ओके 14 नंबर भी समस्त आंसर देखा ट्राई करते से कहते यूज आप्रोप्रिएट डिटर्मिनर को यूज करने पड़ा डिटर्मिनर अंडर सबकि जाए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब भाई पढ़ाए ओके देखो से कहते आई डोंट थिंक दैट देयर इज जस्ट डॉक्टर इन द विलेज मो भाभी बोले सेठी केही भी डॉक्टर ना ओके फास्ट कथा सेंटेंस नेगेटिव कथा कहते सेंटेंस नेगेटिव रे सम लगे ना सम डॉक्टर जमा भी लगे मच डॉक्टर पूर्व मच कौन पर लगे ये तो काउंटेबल कथ ना सरी अनकाउंटेबल लगे मच पूर्व ना सरी मच पर अनकाउंटेबल लगे कह कौन मच पर मच वाटर होगा आप लगे पारे ओके मेनी वाटर के लगे तो डॉक्टर पूर्व आप मच कौन पर लगे किसी मीनिंग ही दूनी ओके आई दर डॉक्टर कौन से मीनिंग ना मन रखिए नेगेटिव आप कौन लगे पारे गोटे सेन्टेन्स नेगेटिव अच्छी आम एनी डॉक्टर लगे पार्बा नॉर्मली एनीटा गोटे नेगेटिव सेन्स यूज कराए बुझीगले समस्त ना ओके आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी डॉक्टर इन द विलेज बुझीगले यार 14 नंबर ऑप्शन कोटा राइट आंसर ला ऑप्शन सी सरला नेक्स्ट जा 15 को जाओ 15 भी समस्त डील करे पेन ट्राई करन यार चेंज द वॉइस ओके आपन को वॉइस चेंज करे छ ठीक अछि चेंज कर दबा किते बड़ कथा न देखन द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट स्टार्ट करबा कोटू ऑब्जेक्ट रु स्टार्ट करबा एटा आपन ऑब्जेक्ट बनि गला द रिपोर्ट रु स्टार्ट करबा सेंटेंस को टेंस अछि सिंपल प्रेजेंट ना 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 सिंपल प्रेजेंट रे केम देबो सिंपल प्रेजेंट ले रीड्स तो थांदा ना तो ये आपन सिंपल पास्ट कोन कहले सिंपल पास्ट माने वर्ब सेकंड फॉर्म रीड 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 आपन एटा पढ़िथिबो तो डेफिनेटली वर्ब जे सेकंड फॉर्म अछि तो आमे लगे पय पड़िबो पैसिव रे कोन लगेबे तो डेफिनेटली हमकु वाज किबा वेयर पिक करे पय पड़िबो स्टार्ट करबा द रिपोर्ट वाज रे आमे स्टार्ट करबा द रिपोर्ट वाज एटा न हो द रिपोर्ट विल एटा न हो द रिपोर्ट वाज वाज दिटा को वाज द रिपोर्ट वाज हार्ड बीन भाई कोठ हसले यार आम डायरेक्टली वाज आ वेयर पर कौन लगे वर्ब थर्ड फॉर्म लगे ना तो ये बीन कौन पर लगे बीन किसी दरकार ही ना बीन आप परफेक्ट हिं लगे आउ कौट लगे तो आम 15 नंबर कोटा ऑप्शन सी को पिक कर से कहते समस्ते पिक कर देखिए ओके 15 पर नहीं 16 को जी 16 भी समस्त आंसर देखा ट्राई कर द पीपुल विल इलेक्ट हिम प्रेसीडेट तो डेफिनेटली ये तो आप ऑब्जेक्ट ना आपको आम सब्जेक्ट भाया स्टार्ट कराया मैंने सेन्टेन्स को स्टार्ट करा आउटे क्या सेन्टेन्स आप कौन अच्छे सिंपल फ्यूचर अच्छे सिंपल फ्यूचर सेन्टेन्स आम कौन यूज करा बी भर सहित भर थर्ड फॉर्म यूज करा जिते आम पैसिव्रे बनाया स्टार्ट करा देखो द पीपुल स्टार्ट करा किसी दरकार ना बिकज हिम्रु स्टार्ट कले हि रु आम स्टार्ट करा हिम्टा अब्जेक्ट था सब्जेक्ट आप हिजो ओके हि विल बी इलेक्टेड मुझे कौन कही बी भर सहित भर थर्ड फॉर्म बस विल बी इलेक्टेड प्रेसीडेंट बाय द कार द्वारा बाय द पीपुल ऑप्शन बी एक्जाक्टली राइट आंसर आसो बाकी सब तक आराम से एलिमिनेट कर दिखाँ किसी कम को से गुड़ा जिनस नुह बुझे समस्ते 16 सरला नहीं जीवा 17 को जीवा 17 भी आंसर देखा ट्राई करते हैं ये भी गोटे चेंज द वॉइस अच्छे आराम से आंसर दे दिखाँ ट्राई कर देखो डिड ऑल द कैंडिडेट्स ओके कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम फास्ट कथा डिड डिड माने सिंपल पास्ट आम कौन खोजा वाज आ वेयर खोजा सहित भर्ब थर्ड फॉर्म वाज लगी यार कोड आसबनी हार्ड आसबनी तो ऑप्शन ए ना आपको डी ठीक अच्छे टी सेंटेंस पढ़ा बट कंप्लीट कौन पाई हम आपको कौन कही वाज वेयर सहित भर्ब थर्ड फॉर्म ना वाज द पेपर कंप्लीटेड होबार थिला बट ऑप्शन कोटा ए होबार नाही कारण कंप्लीट लिखा है 17 नंबर कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन डी वाज द पेपर कंप्लीटेड बाय ऑल द कैंडिडेट ऑन द टाइम आम लिखी पारा बुझीगले ना 17 नंबर ऑप्शन कोटा राइट आंसर ऑप्शन डी आसे कुछ चूज कर देती नहीं जी अब 18 को जी ओके 18 भी समस्त आंसर दबा ट्राई करते यार ट्राई कले सेंटेंस पढ़ा ये भी आप चार वॉइस चेंज रखते देखो द स्टूडेंट्स ओके वे आर
लाफिंग आर द ओल्ड मैन फास्ट कथा ओ आर लाफिंग ओके ताने वाज ओ आर सहित भर्ब आई एन जी फर्म है जो आम पैसिव बनवा कौन यूज करा बी आई एन जी वार्ड को यूज करने पड़ो देखा कौन आप बी वार्ड अच्छी अच्छी एटारे ना काटि एटारे अच्छी यटारे ना तो मैंने अप्सन कौटा आईदर ए हम ना सी हम ठीक अच्छे द ओल्ड मैन जीतु यहाँ अब्जेक्ट थी अब्जेक्ट रु आम स्टार्ट करवा गोटे कथ मन रखिए ये जो बै आउ आर्ट्रे ये ही मेन रनसेप्ट अच्छी आउ कौटी ना लाफ सहित लाफिंग सहित आर्ट लगे लाफिंग सहित मन रखिए बाय लगे ना आपण कहिबे जे सर पैसिव माने तो बाय लगे बट सब जगह लगे जा अकॉर्डिंग सहित तो टू लगे ना आम जबरदस्त अकॉर्डिंग सहित बाय करदे जमा बिहार करें जोटा फिक्स प्रिपरेशन ताको धरिक जीवापाई पड़ो जमी लाफ सहित आर्ट लगे लाफ आर्ट तपर आप बाय द स्टूडेंट लगे पड़ो ओके जोटा कि आप अठ नंबर कौटा ए रईट आंसर रोज जमा बिहार सी को पिक करें लाफ बाय द स्टूडेंट करदे लाफ सहित आप आर्ट लगे पड़ो ओके आप अठ नंबर कौटा ऑप्शन ए रहा निश्चित भाव उन्नीस नंबर को जाए ओके उन्नीस नंबर भी समस्त आंसर देखें ट्राए कर यूज आप्रोप्रिएट आपर कनेक्टिव कहीपर ना कंजंक्शन भी कहुत ठीक से बस ट्राए कर ट्राए कर देखो हिज ओपिनियन इज वेलकम तार जो ओपिनियन आम वेलकम करपर डैश इट डज नॉट कन्विंस मी ओके मन रखिए ये गोटे सेंटेंस गोटे पॉजिटिव पार्ट ये गोटे नेगेटिव पार्ट आप पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को सेंटेंस मैंने को कंजंक्शन यूज कर मतलब जमा बी आर अंटिल तो नुह डिस्पाइट नुह आ मन जो आंड भी थोड़ा जमा पिक करेंगे आंड दुटा को सिमिलर मैंने पॉजिटिव जो थी पॉजिटिव नहीं जा नेगेटिव नेगेटिव नहीं जा बट बट कौन अपोज करे But his opinion is welcome, but it does not convince me. But मतलब इटा convince कॉलर ना है, okay? अठ नंबर मानना कि भाई ऑप्शन कोटा A right answer है वो. Pick कर देते हैं, next जो है कोड़े पे जाओ. तो नेक्स्ट जो है तो कोड़े नंबर अच्छी कोड़े नंबर क्वेश्चन आंसर दापन ट्राई कर. समझे ट्राई करो क्वेश्चन बढ़ा देखो. Before designing a public पर design करे पुरपुरो. द आर्किटेक्चर मस्ट से कौन पब्लिक सहित कथबार्ता पब्लिक कनसर्न भी ना दरकार तो से कथा से कहते बिफोर डिजाइनिंग ए पब्लिक पर द आर्किटेक्चर मस्ट मस्ट यूज कर मन रखिए मस्ट आगे गोटे मोडाल भर भाई काम कर मस्ट मैंने कौन कंपलसरी आर जब मोडाल भरब फास्ट फर्म बस जब आप आईडिया लगे देते हैं सेन्टेन्स रीनिंग भी जाना नहीं आप हिट करके पड़े के रेकग्नाइजेसन हेनी ओके कनसीडर्स तो हेनी कारण भरब फास्ट फर्म लगे कनसीडर गोटे लगे रेकग्नाइज गोटे लगे कौन से पब्लिक रेकग्नाइजेसन हुए पब्लिक ओपिनियन से मागत से ग्रांट करा कथ तो आम कनसीडर लगे पार्बा कौन कहते कनसीडर द आर्किटेक्चर मस्ट कनसीडर कनसीडर करा दरकार पब्लिक मान को बिकज से ही ही लोक जिनसा बना जाए बुझे ना कोड़े नंबर आप ऑप्शन कौटा ए रईट आंसर रोज जो मैंने पिक करते बहुत बढ़िया कथ नहीं जाए एक नंबर क्वेश्चन जब एक नंबर क्वेश्चन आंसर देखा ट्राए करते प्रोनाउन अच्छे रिलेट प्रोनाउन अच्छे आराम से आंसर दे दिखते ट्राए करना क्वेश्चन बढ़िया देखो द वुमेन डैश इज स्टैंडिंग बाय द टेबल वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक ओके मीडिया दो ओमेन जीए की पर्सन कथा उठे पर्सन पे कौन लगे हु लगे पार दो ओमेन हु जीए की इज स्टैंडिंग इज देखो हु लगी हु पर आप देखो ओमेन पे सिंगुलर लगी किसी प्रॉब्लम नहीं द ओमेन हु हुज लगे किसी दरकार नहीं हुम जहाँ को दरकार नहीं हुईज कौन से प्लेस कथ से कहूँ तो डेफिनेट आप एक कौटा ऑप्शन ए समस्त चूज कर इजी क्वेश्चन था ये टिपिकल क्वेश्चन ना एक बैस को जाओ ओके बैस समस्त आंसर देखें ट्राइ कर आर्टिकल टी बस ट्राइ कर कौन से मैटेरियल जमी आप गोल्ड गोटे 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 नर्माल गोटे मैटेरियाल ना कौन से उड होगा तपर गोटे आर्टिकल लगे देवे जमा बिया लगे बस से कनसेप्ट उठी देखो द रिंग इज मेड कौन से डेफिनेट करो कौन द रिंग कौन लगी बिकज कौन से डेफिनेट जिन क्या से कहते द रिंग इज मेड अफ गोल्ड केवल लगे कौन से आर्टिकल लगे बिकज मैटेरियाल नाम पूर्व नर्माली आर्टिकल बसे ही ना बुझीगे समस्त बैस ऑप्शन सी रही नहीं जीवन तेईस तेईस नंबर क्वेश्चन को देखिए तेईस नंबर क्वेश्चन आंसर दे ट्राए कर प्राय पे नो आर्टिकल मारी जाए टोटाली भूल आर्टिकल लगे कौन पर लगे टे कनसेप्ट को बुझाप ट्राए कर लुक एट डैश आपेल्स ऑन दैट ट्री देखो ये डेफिनेट कराऊ को आपेल कथ कौन कहते धन ये गच यार जो भी गच भाभी दिखे यार सेम भावन आपेल ये गचर अच्छे तो आपेल ये गच अच्छे तो गोटे आपेल ना बहुत गुड़ा आपेल अच्छे से डेफिनेट करा ये जो गचर आपेल गुड़ा कथ से कहते जदि से डेफिनेट करो आर्टिकल द लगे तो प्राय पे माइंड में आउ गोटे कथ आसा सर आप जो कहते आपेल ये तो गोटे प्लूराल कौन से प्लूराल पूर्व को आर्टिकल बसे भाई बस भी पार मुझे आर्टिकल द बसई ना थोड़ी ना ए आउ आन को यूज कर कौन से प्लूराल पूर्व आम ए आउ आन यूज करना बट आम दर यूज करर यूज करे कनसेप्ट रू बाहर आपको कही दूसरे कौन से प्लूराल पूर्व आम आर्टिकल ए आउ आन यूज करना जदि ये देखो प्लूराल गोटे बहुत गुड़े दैट ट्री से जो ट्री जो आपेल गुड़ाक कहते जितकी से डेफिनेट करपूर्व आम आर्टिकल द बसई पारे बुझे ना ये आप ऑप्शन कौटा तेईस नंबर ऑप्शन कौटा सी राइट आंसर है जी आगे चबीस नंबर जी जाए चबीस नंबर आंसर देखें ट्राई करते ओके सी कहे फाइंड व्हिच इज द वर्ड कौटा करेक्ट अच्छे ओके अकम पलिस कौटा आपंकर करेक्ट स्पेलींग अच्छे फाइंड आउट करते एससी यूज कर तो समस्त यूज करने पड़ो एससी ओ एम
PLISH अकम्प्लीस रे आपण PLISH आपण यूज करबे ए डबल सी लागबो सिंगल सी लागेनी एटा ऑप्शन आपणकर बी आगे कटला अकम्प्लीस रे पी ए कोड असला एठी लागिया नथला PLISH आपणकर बसे ओके एसीसी डबल एम लागबो ने ऑप्शन कोड 24 रो डी राइट आंसर हो आशा करछे समस्त चूज कर देथिबे इजी थला नै जे 24 पर नै जे 25 को जाओ 25 भी समस्त आंसर दा पॉइंट ट्राई करंतु इंजीनियस अछि यार जेनियस तो समझ जानते हैं जेनियस टी स्पेलिंग कले जी रु स्टार्ट हुए ना जीई एन आई ओ यू एस यूज करते कौन कहे जीई एन आई ओ यूएस इंजीनियस आम डब्ल्यू आई एन लगे दिखाँ कम सर यार कौन अच्छे आई एन जी एट आई कड़े हजला काटिद एटी भी आई कड़े हजला काटिद ओ कड़े हजला काटिद 25 रो इंजीनियस आपंकर ऑप्शन कौटा सी राइट आंसर रहो समस्त पिक कर दीजिए नेक्स्ट भाव 26 नंबर को जाओ 26 नंबर भी समस्त आंसर दवापाई ट्राई करते फाइंड आउट द ग्रामाटिकली एरर आपन सेंटेंस रो गोटे पार्ट दुटा पार्ट तीन टा पार्ट आ गए नो एरर ये तीन टाक पार्ट रू कोटे एरर अच्छी फाइंड आउट करूँ यदि एरर ना तो डेफिनेट नो एरर को चूज करके आपड़ जाइए ट्राए गले क्वेश्चन पड़े टे धीरे धीरे सॉर्ट आउट करवा जल्दी किसी कराया दरकार देखो डू कौन बस मत फास्ट कथ करेंगे जितने आपत पढ़े आगे आप पढ़े कारण मोर फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो जाए मुझे सब जिन देखो द रोजेस ये तो प्लूराल ना तो प्लूराल डू बस डज बसइबे ना यहाँ हूँ फास्ट कनसेप्ट जितने आपड़ क्वेश्चन को डिल करते डू द रोज इन योर गार्डन ये इन कौन लगेगा कहीं अन् लगे देखो कौन से गोटे गार्डन गार्डन मैंने कौन गोटे गोटे गार्डन हो भर कथ से कहते कौन से गार्डन भितर जमीन क्लासरूम भितर हो रूम भितर होगा से पूर्व आम प्रिपेरेसन इन बसू तो मैंने एपर्तंत कौन से ना जेहतु ये आपको स्मेल प्लूराल अच्छे लगे पार्बा स्मेल लगे आउ डू सहित भरपूर फास्ट फॉर्म बस आउ किसी बसवन छोट मोट कनसेप्ट ये डिल कर सारे ये पार्ट्रे कौन एरर ही ना सरीगला अप्सन ए ही उड़गला आप पार्ट्रे कि एरर ना ओके मोर स्वीटली फास्ट कथ स्वीट्र फास्ट कथ हूँ SWEE TLY मोर स्वीटली स्वीटली यार कमी हम यार मोर तो आडजेक्टिव ये तो स्वीट हबार था ना तो आडजेक्टिव कमी आप एलवाई लगे ये किसी दरकार ना मैंने यही पार्ट्रे एरर था कौन कहे यही पार्ट्रे एरर अच्छे मोर स्वीटली जमा भी बसी पार ना ओके ऑप्शन बी एक फास्ट कथ मोर लगे पुणी एलवाई लगे यार कमी पसबल दुटा लगे पार्बन आडजेक्टिव तो एमती बनी पार्बन आपको आम काटिद दैन कंपेरिजन लगे दोज इन आवर हाउस सरगला यार आपटा ऑप्शन बी रही है जो कंपेरिजन कर टोटाली भूल अच्छे मोर स्वीटली लगे ना ओके 26 साल नेक्स्ट 27 को 27 आंसर दे ट्राई करते एटी भी गोटे ग्रामाटिकल एरर अच्छी आपको फाइंड आउट करने ट्राई करते व्वेन व्वेन मैंने कौन पास्ट कथ कह व्वेन ही व्वाज आस जो मत से पचारूला पास्ट कथ कह सिंगुलर पर व्वाज रही व्वाज पर भर्व थर्ड फॉर्म रही है यहाँ पैसिव्रे सेंटेंस नहीं जाए व्वेन ही व्वाज आस्ट व्वाट इज रंग विथ मी ना ना व्हाट इज रंग मोर से रंग कौन थी पास्ट कथ कह इज आम लगे पार्बानी ये आप लगे व्वाट व्वाज रंग विथ हिम बुझीगले ना तो ऑप्शन डायरेक्ट आम पिक करदे ऑप्शन ए को इतने पढ़ा किसी दरकार ना बाकी पार्ट भी आप कम्प्लीट पढ़ पूरा सेन्टेन्स पास्ट ही थी आउ कौन सेन्टेन्स देखी पड़ते प्रेजेंट जमा भी आट न बुझीगले समस्त 27 रहा ऑप्शन कौटा ए रईट आंसर रहा जो मैंने पिक करते बहुत बढ़िया कथ नहीं चाहिए 28 को जाए 28 भी समस्त आंसर देखा ट्राई करूँ फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज ये जो अंडरलाइन कराई यार टी दयाक मीनिंग खोजापी टी ट्राई करूँ देखिया कितने पिला मीनिंग को खोजिक काढ़ी पड़ते आपने एडवांस फ्रेजेस कही पारे नॉलेज सेंटेंस रो मीनिंग फाइंड आउट करने कहते जोटा कहते कहुत ए क्वेश्चन से भाया बने फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड हो गला फाइंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हो गला फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज है एग्जाम पचरा जाए देखो आई हैव ए बोन टू पिक ओके बोन टू पिक विथ इन दिस मैटर तो डेफिनेटली ये जो लिखा है हैव ए बोन टू पिक या मान हो मन कहे कौन जिन रागिजी एंग्री मोड में लगा जाए कौन कहे एंग्री मोड ओके सेल्फिश मोटिव नुह ओके मोटिव नुह डिजायर नुह आपको आंग्री मोड कौन कहे आन आंग्री मोड में आपड़ जिनसा लगे पारे ये सब फ्रेज को मन रखापी पड़ो फ्रेज तो एमती गोटे ना बहुत गुड़े फ्रेज अच्छी जिते आप पढ़े ये सब जिन मन रखिपारे ओके 28 मन रखे ऑप्शन डी रही है जी 29 को जी ओके 29 भी समस्त आंसर देखें ट्राए कर दे डैश वर्क आज द टीम टू अवॉइड फेलोर तो डेफिनेटली आप फेलोर को अवॉइड करने आपको कौन करें काम करने पड़ो फास्ट कथ ये भर थर्ड फॉर्म यूज कराई तमें आमको हाफ लगे पड़ो क्या डायरेक्टली आसपारे कि सुड भी डायरेक्टली आसपारे आइदर ऑप्शन ए हम ना ऑप्शन सी हम बट सी कहूँ ना दे डैश वर्क टू मैंने अवॉइड गोटे फेलोर को अवॉइड करने आप कौन किए गोटे सजेसन टाइप रिंस दूसरी कहे आप एग्जाम पास होगा यू सुड स्टडी हार्ड बुझीगले ना तो सेमती आप सजेसन से आप सुड को लगे ये उड को लगे ना ओटा करेंगे नक चलो बट ये करने पड़ो ना तो 29 मन रखिए ऑप्शन कोटा सुड को लगे ट्राई करेंगे सुड हाफ वर्क लगे पड़े ओके 29 ऑप्शन सी राइट आंसर रहा पिक करते बहुत बढ़िया कथ नहीं जाए 30 को जी देखिए 30 रो भी समस्त आंसर देखें ट्राई करते सिटीजेन्स ओके सुड भी प्रोहबिटेड मन किए प्रोहबिटेड सहित टू के लगे प्रोहबिटेड सहित कौन लगे फ्रम कौटू
फ्रॉम परे जेहेतु आपंकर प्रोहिबिटेड लागुची फ्रॉम फ्रॉम परे आपन फ्रॉम टा गोटे प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन परे स्मोक लागिबो नाही प्रीपोजिशन परे कोन लागिबो एस एम ओ आई के आई एन जी माने आपंकर वर्ब आई एन जी फॉर्म लागिया पाइन पड़िबो जोटा कि आपन नाउन को आसिया पाइन पड़िबो ओके तो टू स्मोक केबे लगेबे ओके प्रोहिबिटेड सहित फ्रॉम लागे ओके फॉर लागेनी एगेंस्ट लगे प्रोहिबिटेड सहित फॉर फ्रॉम एटा फिक्स प्रीपोजिशन आपन नहले आपन फ्रेजल वर्ब हिसाब आगु टिके मन रखि थन ओके 30 रो मन रखिबे ऑप्शन कोटा सी राइट आंसर बने जब 31 को जिया देखिए 31 समस्त आंसर दापाई ट्राए कर इट इज द टाइम इट इज द फास्ट टाइम आई डैश सी फुड इन माइ लाइफ यहाँ प्रथम टाइम जोटा कि फास्ट टाइम सी फुड खाइली तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कौन कहे प्रेजेंट परफेक्ट जमा भी यार पास्ट परफेक्ट लगे इट इज कथा कही यार इट वाज कथा से कही बुझे ना ओके इट लगे दरकार नहीं बिकज प्रेजेंट परफेक्ट आप कौन लगे हाज कि हाफ सहित भर्व थर्ड फॉर्म बस तो लगे आई हाव लगे आई हाव इटेन कौन कहे आई हाव इटेन खाली इटेन भी लगे देवी बिकज प्रेजेंट सेंटेंस मुझे कहि मुझे खाई आई हाव इटेन मुझेपरि ना मुझे खेली आई हाव प्लेड मुझे ना बुझी पड़ते मुझे कथ कह ओके 31 ऑप्शन कौटा सी राइट आंसर है या 32 को जाए ओके 32 भी समस्त आंसर देखें ट्राए कर व्वेन सी व्वाज यंगर जिते से यंगर था से डैश 5 किलोमीटर ए डे तो से दिन के किलोमीटर होता 5 किलोमीटर जाऊला मन रखिए ये सेन्टेन्स कौन आपर पास्ट्र कौन कहे पास्ट्र हैबिट कौन कहे पास्ट्र आपबिट कौन से पास्ट्र जब हैबिट थी से कौ टेन्स को जाए सिंपल पास्ट को जाए मुझे कौन जब आप कौन से पास्ट्र हैबिट अच्छी कौ टेन्स को पलिब सिंपल पास्ट को जीवन ना तो आम पिक करदे व्वेन सी व्वाज यंग जिते से यंग था सी लगे वाल डब्ल्यू ए एल के डी ओके जमी आप जानते प्रेजेंट जब आप किसी हैबिट अच्छी कौन टेन्स को जाए सिंपल प्रेजेंट को जीव पास्ट जब आप किसी हैबिट था सिंपल पास्ट को बस पलैब आप जमा भी आउ किसी पिक करेंगे ना ओके ऑप्शन आपको ए राइट आंसर रही बुझीगले समस्ते पास्टर हैबिट प्रेजेंटर हैबिट आपटा लगे प्रेजेंट सिंपल पास्ट आउ पास्ट आप सिंपल सॉरी प्रेजेंट रोचे सिंपल प्रेजेंट आ पास्ट हो सिंपल पास्ट लगे ओके 32 ए रहा नहीं जाए 33 को जाए देखिए 33 समस्त आंसर देखा ट्राए कर व्हाइट बॉल डैश ओके फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1920 क्रिकेट वर्ल्ड कप प्राय प्राय देखिए सिंपल पास्ट को लगे देखिए पढ़ाई थे जोड़ा कि यूज जोड़ा कि ऑप्शन टोटली भूल यूज हमने फास्ट पढ़ा बुझाप पड़ो सेंटेंस आप पैसिव्रे अच्छी ना आक्टिव अच्छे व्हाइट बॉल को यूज कराला ना कि व्हाइट बॉल निजे यूज होता व्हाइट बॉल को यूज कराला कौन कहे व्हाइट बॉल को यूज कराला तो आम लगे पार व्हाइट बॉल वाज यूज कौन कहे यहाँ आक्टिव नुह कारण व्हाइट बॉल निजे यूज होनी व्हाइट बॉल को यूज करा तो से लगे व्हाइट बॉल वाज आप यूज लगे पैसिव्रे लगे वाज सहित भर्व थर्ड फॉर्म लगे पड़ो प्राय पे ऑप्शन ए को पिक करते टोटल भूल सेंटेंस को बुझाप पड़े कौटा आक्टिव्रे अच्छे पैसिव्रे अच्छे आक्टिव्रे थे निजे से कम करते पैसिव्रे क्या द्वारा कराए ओके व्हाइट बॉल को यूज कराला ओके ऑप्शन आपटा बी राइट आंसर है जो मैंने पिक करते बहुत बढ़िया कथ ओके ओके 33 होगा 33 पर नहीं चाहिए 34 को जी ओके 34 में समस्त आंसर देखें ट्राए कर वी आर प्लानिंग आम गोटे प्लां करो वी आर प्लानिंग पर आपको कौ प्रिप मैंने कौन बसे जीरो बसे ना इनफिनिट भर बसे मतलब कहे तो डेफिनेट यार आप वी आर प्लानिंग पर सब टू लगे इनफिनिट भर आप यूज कराए टू सहित भर फास्ट फर्म यूज करेंगे वी आर प्लानिंग टू डू दिस वी आर प्लानिंग टू डू दैट ये आप सेंटेंस भी पढ़ी वी आर प्लानिंग पर टू लगे वी आर प्लानिंग पर के जीरो लगे कि ये सब जिनस लगे वी आर प्लानिंग टू टेक आवर गेस्ट टू पर भर फास्ट फर्म बस जोटा बस तो 34 आखि बंद करके डी को मारिकी पढ़े आउ कि यार पिक करेंगे किसी दरकार नहीं ओके 34 पर नहीं चाहिए 35 को जाए देखिए 35 समस्त आंसर देखें ट्राए कर नो सुनर गोटे कनसेप्ट नो सुनर सहित पेयर कौन बसे ध्यान बसे देख ध्यान बसी चार बुझीगे ना नो सुनर होगा स्केयरली एम बहुत गुड़े आप वार्ड थे नो सुनर सहित आपको कम बस ध्यान बस नो सुनर सहित इनवर्सन रूल फलो करें आईधर आप नो सुनर पर डीट बस पार नो सुनर पर आपर डीट बस ना आप हार्ड बस यहाँ तो जानते हैं एच ए डी हार्ड बस तो जदि डीड बस भर्व फास्ट फर्म लगे पड़े हार्ड बस भर्व थर्ड फर्म लगे पड़े नो सुनो डीड द ट्रेन आरआई लगे पड़े जमा भी आरआई डी पिक करेंगे ना कौन कहे आरआई डी पिक करेंगे ना ओके विल लगे हाफ भी लगे हार्ड भी लगे किसी दरकार ना अलरेडी कनसेप्ट मुझे बहुत थर कही कहीं भी एमती मिस्टेक कर नाथ्वे ओके 35 ऑप्शन कौटा आरआई रोक प्राय कह सर आरआई भी लगे दिखते कमी यार मुझे डू डस डीड पर भर्व ओनली फास्ट फर्म ही बस पारे ओके 35 ऑप्शन ए रहा नहीं चाहिए 36 को जाए ओके 36 भी समस्त आंसर देखें ट्राए कर द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास आर डैश इन अदर स्कूल तो डेफिनेटली कंपैरिजन चलती ओके द स्टूडेंट इन आवर क्लास आर स्मार्टर डायरेक्टली लगे देवे बिकज स्मार्टर हाँ स्मार्टर लग पार बट ये स्मार्टर सहित कंपैरिजन ध्यान वर्ड यूज कराएं आमको तो ध्यान लगे पड़ो क्या गोटे से कंपैरिजन चली ना तो स्मार्टर ध्यान आम लगे भाभी था ओके स्मार्टर ध्यान यहाँ हमी कौन हमें कहूँ
द स्टूडेंट इन आवर आवर स्कूल ओके आम स्कूल स्टूडेंट तांको स्कूल सहित कंपेरिजन चलिए स्कूल स्टूडेंट सहित भी चलते आम स्टूडेंट सहित कौन लगे दोज इन अदर स्कूल कौन कहे दोज लगे पड़ो दोज ना दैट नॉर्मल लगे प्लूराल अच्छे से हमें दोज लगे पड़ा स्मार्टर 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 कंपेरिजन आम स्मार्टर यूज करवा ध्यान तो लगे कंपेरिजन जो मैंने दोज लगाऊना टोटाल सेन्टेन्स रिनिंग ही बुरी द स्टूडेंट इन आवर स्कूल स्मार्टर देन अदर स्कूल स्कूल रि कंपेरिजन चलती कौन स्कूल स्टूडेंट मान कंपेरिजन चलती ना कि स्कूल को स्कूल भितर चलने दो स्टूडेंट इन आवर स्कूल आर आर स्मार्टर देन ये जो लगी दोज मैंने कौन स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल ये जो दोज मानने कौन स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल ये दोज लगी आम दोज लगे रिजन हो आम दस स्टूडेंट्स लिखी पारे ना उसे तो बेटर आम दोज लगे देवटा बेटर दोज इन अदर स्कूल जदि कहे सर ये न लगे कौन मिनिंग हम देखो स्मार्टर देन अदर स्कूल आम स्टूडेंट स्कूल टू स्मार्टर अच्छे एड भाई किसी मीनिंग दौर कि मीनिंग दौर ना दोज लगे रिजन हो स्टूडेंट जो आप अदर स्कूल स्टूडेंट आम स्कूल स्टूडेंट मैच कर बुझे कनसेप्ट बुझाप ट्राए करते ओके छत्तीस कौटे अप्सन रोज अप्सन आप सी रईट आंसर रहा नहीं सैंतीस को जी देखिए सैंतीस भी आंसर देखें समस्त ट्राए कर सी कहे आउट ओके आउटा पांच स्पीड में कौन प्राय पिला प्रिपोजिशन भी पिक् करते किसी पिला आडजेक्टिव भी पिक् करते टोटाली बुरा आडभर्व आप देखो गन लगी गन मैंने ये भर्व है गन सहित आपको लगे आउट लगे तो आम आपको आडभर्व नहीं जाइए प्रिपोजिशन आडजेक्टिव किसी पिक करेंगे ना ओके ये आप आडभर्व भर को जी क्वालिफाई करें नॉर्मल देखो आडभर्व कहे ये कनसेप्ट पकईदे पलैले भी आपंकर काम बनी ओके सैंतीस अप्सन कौटा बी रईट आंसर है नहीं अड़तीस को जी ओके अड़तीस भी समस्त आंसर देखा ट्राई करते बहुत बड़ सेन्टेन्स अच्छी बट सी कौन कही क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट सिक्वेन्स सिक्वेन्स ए खोजापी पड़ो ये जो सेन्टेन्स अच्छे आदि सिक्वेन्स कौटा करेक्ट अच्छे देखते काढ़ माई ब्रदर टुमरो टू आटेड यार सेन्टेन्स रक्चर ही भूल माइ ब्रदर आटेड पर आम टुमरो कही अलग कथ ये टुमरो टू आटेड किसी आडभर्व्र प्लेस ही खराब अच्छे सेकेंड पर जो टाइम आडभर्व तार प्लेस खराब अच्छे से कहे टू आटेड हिज फ्रेंड्स वेडिंग माइ ब्रदर टुमरो इज गोइंग ये भी सेन्टेन्स रक्चर भूल सेन्टेन्स पढ़ले ही आपको खराब लगे ओके अप्सन ए बी कटला इज गोइंग टू चेन्नई ए सेन्टेन्स भी इज गोइंग टू चेन्नई कौन स्टार्ट करवा ये थोड़ा क्वेश्चन फोश्चिन खोड़ ना पचार जमा काटिद माइ ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई जोटा कि आप पढ़ले भी गोटे भल सेन्स दूसरी माइ ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई ओके कौन जा टुमरो जाऊँ कौन जाऊँ टू आटेड हिज फ्रेंड्स वेडिंग सरीगला कितने इजी आप अप्सन डी को चूज करेंगे ना आउ कौटा मिनिंग ही लेस शब्द बुझीगे ना सेन्टेन्स पढ़ी करेंगे यार कौन से ट्रिक ना आप सेन्टेन्स पढ़ी जिनस बुझीपारे टी मिनिंग भी फाइंड आउट करके बुझीपारे सेन्टेन्स कौन कहूँ आपको ओके थर्टी एट पर नहीं थर्टी नाइन थर्टी नाइन भी समस्त आंसर देखा ट्राई करते यहाँ आपको कौटा अच्छे डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट स्पीच आप कन्वर्ट कर ट्राई कले देखो ही सेड पर लगे आई हाड टू आई हाड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट ठीक अच्छे लास्ट नाइट आप कौन जाए प्रीवियस नाइट हो जाए कौन कहे प्रीवियस नाइट एथे ना एथे ना तो मैंने अप्सन आम आगे दुटा काटे कौन कहे यहाँ रहा यहाँ पड़ना ठीक अच्छे ही सेड पर दैट लगे ये लगे ये लगे आप आईटा ही कन्वर्ट हो ठीक अच्छे हार्ड लगे हार्ड मैंने कौन मतलब ये कहे ये जो सेन्टेन्सटा कौ टेन्स अच्छी अधा पिला कौन सिंपल पास्ट आउ अधा पिला कौन सर प्रेजेन्टर परफेक्ट मत भी कहुत सिंपल पास्ट तो ठीक अच्छे प्रेजेन्ट परफेक्ट कौन पर हम ये कौन आप हार्ड पर भर्व थर्ड फॉर्म पाई कि मत कहे हार्ड हार्ड पर भर्व थर्ड फॉर्म पाई कि जदि पाई कौन पास्ट परफेक्ट कौन आप जानना कि हाफ्र सेकेंड फॉर्म कौन कहे हाफ्र भर्व सेकेंड फॉर्म हूँ हार्ड बिली जदि हाफ्र भर्व सेकेंड फॉर्म हूँ हार्ड तो ये तो भर्व सेकेंड फॉर्म अच्छी सिंपल पास्ट जदि आप डायरेक्ट सॉरी एक्टिव रू पास सॉरी डायरेक्ट रू इंडायरेक्ट बनवा तो कौन कौन यूज करवा आमको पास्ट परफेक्ट यूज करने पड़ा कौन कहली पास्ट परफेक्ट यूज करने पड़ो ये आपकी मेन भर भाया काम करें तो डेफिनेट आम कौन पिक करवा सीन कौन पिक करवा हार्ड हार्ड आम पिक कर फास्ट कथ हो पास्ट परफेक्ट आम हार्ड यूज करवा मेन भर हार्ड थे पिक कले बुझीगले कनसेप्ट कौन कहला हार्ड हार्ड पिक करने पड़ा हार्ड कौन फास्ट फास्ट हार्डटा कौन सरी पास्ट परफेक्ट सेकेंड हार्डटा कौन मेन भर पर बुझीगले अप्सन कौटा सी को मारे जी ये छोटे छोटे कनसेप्ट जाने ही एक्जाम क्वेश्चन ठीक हम ना तो आपने डेफिनेटली भूल कर ओके लास्ट क्वेश्चन जी चालीस नंबर क्वेश्चन देखिए चालीस नंबर समस्त क्वेश्चन आंसर देखा ट्राए कर ट्राई कले ना तो टूडे लिखा है टूडे आप कौन कनवर्ट हो दैट डे कनवर्ट होती तो बेसिक आइडिया थी आप सबुत जी हिओरटा दे कनवर्ट हुए ओके दिसटा देन ये सब नर्माल जिनस सी सेड टू हिम व्वे डू नट यू गो टूडे ठीक अच्छे डब्ल्यूच वर्ड स्टार्ट हो डब्ल्यूच वर्ड को रखा पड़ो आम इफ करना जदि ये आप मेन भर्व होता है कि ऑक्सिलरी भर्व होता है तो आम इफ कि वेदर क्या भाभी था आप नॉर्मली ऑक्सिलरी भर्व थे आप कि वेदर आसव तो दैट भी पिक करेंगे यहाँ जानते यार डब्ल्यूच वर्ड थे दैट आसे ही ना ओके नॉर्मल डब्ल्यूच वर्ड आम यूज करवा ठीक अच्छे टेन्स टी चेक करवा टेन्स कौन रोचे टुडे तो डैट डे हम अप्सन तो डी हम ये जमा पड़ी बट टे टेन्स को चेक करेंगे
व्हाई डू नॉट यू गो देयर। तो ये आपको डू अच्छी, डू माने कौन सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट आपको कौन पड़े जीव सिंपल पास्ट रे व्हाई ही डिड लगे देवे कम सरगला। 40 ऑप्शन कोटा डी राइट आंसर आसे आशा कर 40 टा क्वेश्चन करैथिली आ समस्त 35 प्लस भी स्कोर हे थिबो। जदि किछ डाउट कन्फ्यूजन कि मोदर किछ मिस्टेक हेतो तो कमेंट करबे, डेफिनेटली कमेंट रे आंसर दा पय ट्राई करबे। एठी बस वीडियो को एंड करछि, वीडियो के शेष पर देखते रहो, आपनको बहुत बहुत धन्यवाद।